हेलो वेलकम बैक, तुम्हारा भाई आ चुका है तुम्हारे सामने बताने मेगा चार्जर वाई के बारे में प्लस लेंस वर्सेस एस्केजम के बारे में। मैंने तुम्हें इस वाली वीडियो में बोला था कि मैं तुम्हें बताएगा मेगा चार्जर वाई किसका होगा 95% टू 100% कंफर्म के साथ में। तो हाँ, वो और कोई नहीं लेंस होने वाला है। तुम लोग चौंक गए होगे, हैं ऐसे कैसे, ये तो बाहर हो चुका है ना, बताता है मैं, सब्सक्राइब कर लो। तो हाँ, काफ़ी अजीब लग रहा होगा तुमको लेंस का नाम सुनकर, बट लेंस ही होने वाला है चार्जर वाई का ट्रेनर। तुम लोग बोलोगे कि भाई इसे डायंटा से पहले राउंड में ही बाहर हो गया था, यानी कि यार बाय बाय टाटा बाय बाय नहीं आने वाला वापस। लेकिन तुमने एक बात को नोटिस नहीं किया कि लेंस जो है अचानक से गायब हो गया था एपिसोड 116 में। जैसे ही वो हारा वो चला गया, वो यार बैटल देखने के लिए नहीं रुका, वरना बाकी सारे मास्टर एट जो थे वो क्या कर रहे थे, यस दूसरे के मुकाबले को देख रहे थे। और जो उनकी एंडिंग जो थी ना दूसरे मास्टर एट की, उन्होंने अपना फ्यूचर को गोल को बताया। लाइक एलान, उसने अपने गोल के बारे में बताया, स्टीवन ने भी अपने गोल के बारे में बताया, आयरिस ने भी अपने गोल के बारे में बताया, परंतु किंतु मेरे बंधु लेंस ने कुछ भी नहीं बताया। अरे वो तो गायब हो गया, उसने आयरिस वर्सेस डायंटा का मुकाबला नहीं देखा, उसने एस वर्सेस स्टीवन का मुकाबला नहीं देखा। तो हाँ, ऐसा हमको दिखाया जा सकता है कि लेंस जो है उस मुकाबले को हारने के बाद यार वो यार सोच रहा होगा कि मैं ऐसे कैसे हारा। फिर उसको पता चला होगा कि मुझे मेगा पोकेमोन ने हराया है। फिर वो चला गया होगा मेगा पोकेमोन को फाइंड करने, मेगा स्टोन को फाइंड करने। चूंकि पोकेमोन एनिमे सीरीज गेम से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, मतलब उसके पास चाइजार्ड होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पास चाइजार्ड होते हैं, तो चाइजार्ड स्टोन को फाइंड करने गया होगा और उसको यार मेगा स्टोन मिल भी गया होगा। तुम लोग बोलोगे कि भाई सिर्फ एक ही पॉइंट पे तू यार इतनी बातें कैसे कर सकता है, बस हमको ये दिखाया गया है ना वो अचानक से गायब हो गया, उसके फ्यूचर गोल को दिखाया नहीं गया, बट यार वो वापस जर्नी सीरीज में कैसे आएगा। तो अब मैं तुम्हें ऐसी बात बताने वाला हूँ ना, पागल होने वाले हो तुम लोग। और वो ये है कि याद करो पोकेमोन मास्टर टूर्नामेंट्स के पहले हमको एक पोस्टर देखने को मिला था लेंस वर्सेस एस्केजम का, और पूरे के पूरे मास्टर टूर्नामेंट के पैटर्न्स में एस वर्सेस लेंस का नामो निशान तक नहीं है, नहीं था, नहीं रहेगा। तो याद करो ये जो पोस्टर आया था उसका क्या हुआ। ऐसे तो पोकेमोन वाले पागल नहीं है कि ऐसे ही पोस्टर निकाल देंगे, मतलब आने वाले समय में इनके बीच में एक फ्रेंडली मुकाबला होने वाला है। एस कैसे मुकाबला करेगा लेंस से, और लेंस गया था मेगास्टोन को फाइंड करने एस पर माय थ्योरी, तो कहीं ना कहीं मेगा चार्जर वाई लेंस का होगा और वो एस कैसे से मुकाबला करेगा। तुम लोग बोलोगे कि भाई हाँ लेंस का समझ में आ गया कि वो मेगास्टोन लेने गया था, लेकिन एस कैसे लेंस से ही मुकाबला क्यों करेगा। तो दोस्तों याद करो एस के पुराने बैटल्स को देखो, यहाँ पे एस के पुराने पोकेमोन जो है ना जर्नी स्टीम वाले, वो भाई काफ़ी वीक होते जा रहे हैं। उनमें से दो नाम मैं काफ़ी जल्दी लेना चाहूँगा, वो है ड्रैगनाइट एंड ड्रैगोविस पोकेमोन। सिंध्या के मुकाबले में ड्रैगोविस या बिना किसी पोकेमोन को हराए हारने वाला है, और ड्रैगनाइट भी हारने वाला है। अरे भाई ड्रैगनाइट तो सिंध्या से हार गया, रायन से हार गया, पोल से हार गया, तो यार एस के तुमको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो भी स्पेशल वाली। तो यार ये ड्रैगन टाइप पोकेमोन है, ड्रैगन टाइप पोकेमोन के साथ यार वो किसको ट्रेनिंग देने के लिए जाएगा, किससे ट्रेनिंग लेने के लिए जाएगा। यस वो लेंस के पास जाएगा, बिकॉज लेंस ड्रैगन टाइप का एक्सपर्ट है, तो लेंस उसको बताएगा कि कैसे क्या करना है ड्रैगन टाइप को पावरफुल बनाने के लिए। लेंस जो है टू वर्सेस टू का मुकाबला कर सकता है, लेंस का जो गैराडोस पोकेमोन है वर्सेस अपना एस केचम का, ड्रैगोस पोकेमोन का मुकाबला तो कंफर्म हो गया था पोस्टर के द्वारा, तो ये दोनों पोकेमोन तो आमने सामने आएंगे। और एज पर दिस माई थ्योरी कि लेंस के पास मेगा चार्जर वाई भी होने वाला है, तो कहीं ना कहीं लेंस का मेगा चार्जर वाई वर्सेस यार एज कैसे का ड्रैगनाइट का मुकाबला हमको देखने को मिलेगा ट्रेनिंग सेशन, वैसे ही जैसे हमको पोल का ट्रेनिंग सेशन देखने को मिला था। और कहीं ना कहीं यार इस थ्योरी से ये बात तो कंफर्म हो जाती है, सारे डॉट्स को हमने अच्छी तरीके से मिला दिया है कि वो मेगा चार्जर वाई और किसी का नहीं लेंस का होगा। बिकॉज हमको लेंस वर्सेस एज के पोस्टर देखने को मिले, चार्जर वाई के भी पोस्टर देखने को मिले, मुकाबला अभी तक हुआ नहीं है, चार्जर वाई भी अभी तक आया नहीं है, तो इन सबको मिला दे तो चार्जर वाई होगा लेंस का मुकाबला करेगा एज के चम्स के ड्रैगनाइट से। तो ये बात तो क्लियर हो गई है तुमको कि मेगा चार्जर वाई जो है इसका होने वाला है, बिकॉज स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है। भाई लियोन से मुकाबले करने जाना है, ऐसे नहीं कि मुंह उठाया और चले गए मुकाबला करने। अरे भाई लियोन इतना खतरनाक ट्रेनर है ना कि तुमको कच्चा तबा जाएगा, तो कहीं ना कहीं यार लियोन को हराने के लिए एज को ट्रेनिंग की काफी काफी ज्यादा जरूरत है, और लेंस से अच्छी ट्रेनिंग उसके वीक पोकेमोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और कोई भी नहीं हो सकती है। और
ऐसा भी तो हो सकता है जितने मां से 8 बच्चे हैं हारे हैं, एक कैसम ने उनके साथ मुकाबला नहीं किया है, उनके साथ वो ट्रेनिंग कर सकता है। तो एक कैसम ने डायंथा के साथ ट्रेनिंग नहीं की, डायंथा के साथ मुकाबला कर सकता है, लेंस के साथ मुकाबला नहीं किया, लेंस के साथ मुकाबला कर सकता है, एलान के साथ मुकाबला नहीं किया, एलान के साथ मुकाबला कर सकता है, और आइडिस के साथ तो उसने मुकाबला किया हुआ है तो जरूरत नहीं है। पर मोस्ट प्रोबेबली एक कैसम ट्रेनिंग करेगा तो लेंस के मेगा चार्जर वाई के साथ करने वाला है, और एलान आए ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, अरे भाई काफ़ी वीक ट्रेनर है, जाए बाढ़ में क्रिंजा नहीं आएगा, तो एलान की भी जरूरत नहीं है। तो आज मैंने तुम्हें बता दिया है मेगा चार्जर वाई किसका होगा, तो अभी के लिए फाइनल है कि मेगा चार्जर वाई होने वाला है लेंस का। तो ये थ्योरी सच होगी या फिर गलत होगी आने वाले समय में हमको पता चलेगा, बट जैसे कोई चेंजेस आते हैं ट्रेनर के नेम पर मैं वीडियो बनाकर तुम्हें बता दूंगा। सब्सक्राइब कर लेना, फोकस का आंसर दो एंड बाय बाय।